अरे हुई टेलीफोन से यहाँ पहुँचे छोड़ो तुम छोड़ो तो जो मौका देखा गया उसे ऐसा लग रहा है कि जो विक्टिम हैं मृतक हैं उन्होंने अपनी दुकान पहले बंद कर दिया और दुकान बंद करने के बाद में जो बगल से पतली गली है वो उनके उनका अपना मकान है और उसमें कोई रहता नहीं है। लेकिन तो लग ऐसा रहा है कि जब इन्होंने दुकान बंद करके उस गली से निकल रहे हैं तभी कुछ लड़के इसमें एंट्री किए हैं और उनको अंदर लेके गए और उनकी दुकान का एक रास्ता घर के अंदर से भी तो संभवतः उस रास्ते से ही अंदर ये क्योंकि अंदर कुछ सामान फैला पड़ा हुआ है तो कुछ सामान वहाँ से लिया होगा और इनके इनको घर के अंदर ही ले गए वहाँ इनकी हत्या कर दी गई और चले गए। जो अभी तक हमें कुछ सुराग मिले हैं कुछ CCTV से भी हम लोगों ने देखा है तो लगभग 12-13 मिनट लोग अंदर रहे। सर क्या गोली बात भी सामने आ रही है? देखिए ये तो अभी जो घर वाले हैं वो भी मौजूद नहीं है लेकिन दुकान के अंदर कुछ सामान कुछ डिब्बे पड़े हुए हैं तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। बाकी घर वाले आगे पता लगेगा फिर बता रहे जैसे बताया गया अभी तक तो दुकान ताला लगा हुआ है अंदर कुछ डिब्बे खाली पड़े हुए हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि दुकान से कुछ सामान लिया हो। लेकिन अभी जो घर वाले जब उनसे बातचीत होगी अभी क्लियर हो जाएगा। कितने लोग थे सर? 3 तो अंदर जाने की बात पता लग रही है जो हम लोगों ने विभिन्न फुटेज देखा है। हो सकता है कोई बाहर भी कोई बात कर रहा हो और लगभग 13 मिनट ये लोग टोटल अंदर रहे और रास्ता इस प्रकार से है कि बाहर के किसी आदमी को कोई डाउट नहीं होगा अंदर क्या हो रहा है। पतली सी गली में अंदर जाके एकदम पीछे मकान है वहाँ कोई चीखे चिल्लाएगा भी तभी कोई आवाज़ नहीं आ सकती है और दुकान बाहर से बंद है तो किसी को कोई आइडिया भी नहीं क्या हो रहा है। और पूरा जब दुकान बंद कर दी गई है जब वो अपना बंद करके निकल रहे हैं अपने घर के अंदर चले गए जिसमें कोई रहता नहीं है तभी हमें लगता है तो गली के अंदर से कुछ लोग एंट्री किए हैं और उनको घर के अंदर ही उनको दबोच लिया है और संभवतः हमसे दुकान को अंदर से क्योंकि रास्ता दुकान के अंदर से भी है वो खुलवाया गया हो और इसमें लोग काम कर रहे हैं। अभी जो घर वाले उनसे भी पूछताछ होगी फिलहाल की बात करें तो कुछ दिन पहले इनके यहाँ चोरी की घटना भी हुई थी उसमें मामला भी पुलिस ने दर्ज किया था। मेरे संज्ञान में नहीं है। और सबसे अहम चीज ये है सर, क्या हाथ पर बांध के हत्या में क्या इस्तेमाल किया गया? मैं वही आपको बता रहा हूँ अभी जब एक बार जरा जो घर वालों से जरा बात हो जाए घर वालों से बात हो जाए तो इनके हाथ पर ही बंधे हुए अंदर जी जबकि अंदर घर का भी अंदर था और पर क्यों बांधे गए क्या मोटिव है मोटिव लूट का मोटिव है या सिर्फ हत्या का मोटिव है ये अभी क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी इसका खुलासा भी होगा। सर आखिरी सवाल किस चीज़ का प्रयोग किया गया हत्या में कुछ पता चल पाया अभी तक? कभी मैं उनसे बात कर अभी मैंने बॉडी को मैंने नहीं देखा है मैंने बॉडी लेके कभी इसमें मैं पूछताछ कर रहा हूँ कि मैं फायर आर्म है या चाकू है अभी बॉडी को देखा जाएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलो मैं प्रमोद अग्रहरी महामंत्री वाराणसी व्यापार मंडल। क्या मामला है पूरा जी? यहाँ का मामला ये है कि हमारे ये व्यवसायी अपनी दुकान को बंद करके घर जाने की तैयारी में थे
दुकान जो ही इन्होंने बंद किया और बगल के शटर से अपने घर में प्रवेश करके अंदर से ताला बंद करने की तैयारी में थे, लेकिन अपराधी तबके के लोग पहले से ही घात लगा के यहाँ बैठे थे और उन्हें धक्का दे करके अंदर ढकेल दिए और उनका पैर चैनल वहाँ रखा हुआ उसमें फंस गया और उसके बाद वो चार पाँच की संख्या में थे, वो खींच करके अंदर की ओर ले गए और उनके ऊपर चाकू और चापड़ से हमला करने के बाद अंदर कमरे में ले जाकर बांध करके उनका गला काट के हत्या कर दिया गया। इसके पहले 6 महीना पहले इनके यहाँ चोरी की घटना हुई थी और इन्होंने पुलिस में FIR किया, लेकिन पुलिस अक्षमता के कारण किसी भी प्रकार की कोई खुलासा नहीं हुआ, किसी भी सामान की बरामदगी नहीं हुई और पुलिस एकदम से निकम्मा बन गया है और किसी भी व्यापारी के साथ कोई घटना हो जाने के बाद भी पुलिस हाथ झाड़ करके निकल लेता है और अपनी सुरक्षा में 20-20 गार्डों को लेकर चल करके एक हवा बना करके व्यापारियों के सामने भय पैदा करने का काम करता है। अभी 2017 में आगे तुलसी निकेतन के पास अवधेश सेठ की दुकान है, दिन दहाड़े वहाँ पे अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई उनके ऊपर। उसके बाद जो है और 2-3 घटनाएं हुकुलगंज क्षेत्र में हुई और ज़्यादातर स्वर्णकार बंधुओं के साथ इस तरह की घटना हुई, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ रख करके बैठी है, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनको ये सिर्फ क्षेत्र में एक जाई से मतलब है, उनका एकमात्र काम है एक जाई वसूली करना और व्यापारियों या क्षेत्रवासियों का किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। लोग सहमे हुए हैं और इस घटना से पूरे हुकुलगंज के व्यापारियों में आक्रोश है, पूरे शहर के व्यापारियों में आक्रोश है। मुझे जो ही मालूम हुआ मैं आया और हमारी DG से बात हुई, IG से बात हुई, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपने किया क्या, उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। ये अपनी सुरक्षा में 100-200 पुलिस वालों को लेकर के एक हवा खड़ा करके अब दिखाते हैं और कहते हैं कि जांच की जा रही है, जांच करने के बाद बताया जाएगा। इतना कह देने मात्र से इनका काम हो जाता है। जिस दिन इनके घर के बेटे इनके परिवार के लोग काटे जाएंगे तब इनको इनकी औकात समझ में आ जाएगी कि अपराध क्या होता है और अपराधी क्या होता है। क्या ये घर में अकेले थे? जी घर में अकेले थे और लूट भी हुई है दुकान के अंदर। लोग कितने की लूट हुई? अब ये तो इस समय खुलासा नहीं हो पा रहा है।